Hi, this is Tanvi Thakkar. Hi, I'm Aditya Kaparia. And you're watching us on Telefilms. Telefilms. एंगेजमेंट के बाद का और शादी के पहले का जो पीरियड होता है ना, दैट इज द बेस्ट फॉर एनी कपल. यही आए घूम के आके हम लोगों ने शादी की है. वी वेंट टू दुबई फॉर टू वीक्स. सो सबसे पहले बोलना चाहूंगी आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक साथ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सो आपसे जानना चाहूंगी आपकी जो जिस तरह से शादी हुई है, कितनी एक्साइटमेंट थी शादी को लेकर जब एंगेजमेंट के बाद 7 साल के बाद आपने शादी रचाई, कितनी एक्साइटमेंट थी आप दोनों को? हम लोग को एक्चुअली बहुत छोटा कुछ करना था, लेकिन जब हम लोग ने एक्चुअली वो छोटा कुछ प्लान किया तो सबने अपनी अपनी टिप्पणी दी फैमिली में कि नहीं नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. और फिर सबकी एक्साइटमेंट देखकर हम खुद ही इतने एक्साइटेड हो गए कि यार ये क्या हो रहा है. यू नो व्हेन यू सी योर फैमिली बीइंग सो हैप्पी, आप खुद ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हो. सो आई एम वेरी हैप्पी सीइंग ऑल ऑफ देम. हमने तो डिसाइड कर ही लिया था कि यू नो वी वॉन्ट टू स्टे टुगेदर, बट सीइंग एवरीबडी टुगेदर वो बहुत माहौल बहुत ही प्यारा था. या वही मुझे लगता है कि क्या है ना कि एक्चुअली वो सबको लगता है कि अच्छा ओके ठीक है शादी ये फंक्शन वो फंक्शन, बट जब वो सब होता है ना तो इतना स्पेशली फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम इतना सब कुछ हो रहा था ना, तो मुझे आधा कुछ तो मतलब ज़्यादातर याद भी नहीं है. बट उसके पहले जो था कि वो फाइनली कि यस देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट बिफोर दैट एंड वी आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली इन द वेडिंग. हां, यूजुअली मैं हमेशा आई फील सैड फॉर द ब्राइड एंड ब्राइडरूम के यार ये लोग तो स्टेज पे खड़े हैं बेचारे, उनको क्या पता कि यहाँ पे कितनी मस्ती हो रही है. बट हमारा ऐसा कुछ स्टेज फेज नहीं था, वी वर इंटरैक्टिंग विद एवरीबॉडी, तो हमें बहुत बहुत ज्यादा मजा आया. पहली रसोई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं बस कुकिंग मतलब इतना पता नहीं है मुझे, तो शी वॉज हेल्पिंग मी सो मच कि ये करो वो करो एंड शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मदर टू मी. तो शी वॉज वेरी वेरी स्वीट. तो मैंने सबके लिए केसर बादाम का दूध बनाया था और आई थिंक इट वॉज यमी ना. इट वॉज यमी, ऑफ कोर्स मम्मी ने बताया ना तो. मम्मास बॉय. शादी के बाद बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, सो आप कैसा फील करती हैं वो जो चेंज आए? अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन आई डोंट नो इतना कितना वैलिड है, क्योंकि 3-4 दिन ही हुए हैं 16th आज के. हाँ, बस 3-4 दिन हुए हैं, तो शायद आगे ज़्यादा वो यू नो हिट करेगा. अभी तो हमारी फैमिली अभी भी यहाँ है, वी आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग सबके साथ. बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये शादी हमारे दिमाग में बहुत पहले हो चुकी थी, तो हमारे लिए आई डोंट नो कि कितना आगे कितना बदलने वाला है, लेकिन वी आर ऑलवेज मैरिड इन द हेड. तो मुझे लगता है कि जो था वो अभी भी है एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. ओके, जो ये 7 साल का गैप था ये ऑफिशियल शादी करने के लिए एंगेजमेंट के बाद, सो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, ये गैप क्यों? यार ये बड़ा मजेदार गैप है. आपको पता है एंगेजमेंट के बाद का और शादी के पहले का जो पीरियड होता है ना, दैट इज द बेस्ट फॉर एनी कपल एंड आई थिंक आई फील दैट आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट दैट होल 7 years. 7 years वाज लाइक अ vacation for both of us and we had a lot of fun, so I think it was a lot of fun. सबसे ज़्यादा एक दूसरे को special कौन feel करवाता है? तन्वी ही कराती है. नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है कि आदि अपने silence से और अपने balance से मुझे special feel कराता है, अपनी maturity से मुझे special feel कराते हैं, और मैं अपनी बातों से. अगर बात की जाए qualities की, एक दूसरे में कौन सी ऐसी qualities पसंद आई कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का ही हमारा सिनेरियो है. मुझे उसका प्रैक्टिकल साइड, उसकी मैच्योरिटी, उसका जो रैशनल साइड है, जो बैलेंस वाला साइड है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही चंचल और हाइपर किस्म की लड़की हूँ, और आई थिंक उसको ऑपोजिट अच्छा लगा. ट्रू, इट्स एक्चुअली एकदम सही बोला इसने, क्योंकि अभी ये जो बोल रही है ना मुझे इसकी मैच्योरिटी है, वो वैसे ही मुझे इसकी ये मतलब जो यू नो बबलीनेस एंड यू नो दिस चाइल्ड लाइक, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर. तो ये सच है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एकदम ऐसा ही है. मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं हमेशा हम लोग सीरियल्स में करते हैं और कभी कभी मतलब सिंदूर कभी कभी भूल जाते हैं सीन में कंटिन्यूटी, तो सब बोलते हैं अरे असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है कि अरे सिंदूर में, मुझे सिंदूर नहीं लगाया यार, चल मंगलसूत्र दे, यू नो इट्स वेरी इरिटेटिंग फीलिंग कि ये कंटिन्यूटी ये वो. लेकिन अभी हम अपने लिए जब मैं आज सुबह भी ड्रेसअप हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई रियली लाइक ड्रेसिंग इन इंडियन वे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो आई रियली लव इट. आप क्या बोलना चाहेंगे?
हाँ मुझे भी ये इंडियन में बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो वेस्टर्न में भी बहुत अच्छी लगती है। और या इट्स अ यू नो इट्स अ चेंज, मैंने कभी इसको इतना मतलब ये बैंगल्स और इसके साथ देखा नहीं है, बट आई थिंक इट सूट्स हर अ लॉट। ओके, अगर बात की जाए घूमने की, सो आप कहाँ आप दोनों घूमना चाहेंगे शादी के बाद? हमने मतलब घूम के ही आए, घूम के आके हम लोगों ने शादी की है। वी वेंट टू दुबई फॉर 2 वीक्स, वी वर देयर, और उसके बाद हमने शादी की है। तो आई थिंक घूमना फूमना अभी छोड़ देते हैं। वी वर गोइंग टू गो टू दुबई आफ्टर द वेडिंग, बट वी आर बोथ बिजी नाउ, सो वी हैव वी प्रीपोन्ड द होल थिंग एंड वी वेंट बिफोर, सो वी फिनिश दैट। बट अभी लाइफ में हम लोग मतलब वी गोइंग टू रोम द वर्ल्ड टुगेदर, सो वी गोइंग टू गो रोम द वर्ल्ड टुगेदर। सो लॉकडाउन आप लोग दोनों का कैसा रहा, कितने स्ट्रगल किए, या फिर क्या कुछ नया चीज सीखा आप दोनों ने? नहीं, मेरे लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कि हमने इस दौरान ये रियलाइज किया कि सब चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, जो चीज़ इतनी जो स्पेशल इतनी, वी जस्ट नीड अ फ्यू थिंग्स टू सर्वाइव। मतलब हम सब को या इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इतनी ही चीज़ें ज़रूरी है। और ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था लॉकडाउन में कि यही लोग मेरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो है तो ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन लोगों को हम लोग खामखा मतलब वी जस्ट थिंक कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है, इतना सा में हम लोग बहुत खुशी से रह सकते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था लॉकडाउन में। आई हैड अ वेरी गुड टाइम लॉकडाउन में। सेम विद मी, मैं लॉकडाउन में मतलब जितना मैंने समय अपने मॉम डैड के साथ बिताया है, आई फील दैट मैंने लाइफ में कभी इतना नहीं बिताया है, एंड इट इज़ ब्रॉट अस सो मच क्लोजर टुगेदर, बिकॉज यू नो वी वर जस्ट नॉर्मली क्या होता है काम पे, डैड गोज टू वर्क, आई गो टू वर्क, मॉम इज एट होम विद हर फ्रेंड्स, दिस दैट, तो किसी के पास मतलब साथ में रहते हुए भी किसी के पास टाइम नहीं रहता है। बट इन द लॉकडाउन वी हैव रियलाइज दैट यू नो इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल, एंड वन थिंग दैट द लॉकडाउन टॉट मी, मतलब जो मैं सीखा लॉकडाउन से, वो ये है कि मैं बर्गर या पिज्ज़ा या पाव भाजी इनके बिना भी जी सकता हूँ, घर का खाना खा के मैं जिंदा रह सकता हूँ, तो ये मुझे पता नहीं था, तो ये मुझे पता चला है। I'm very happy about हम लोग ने एक दूसरे को मतलब we met very few times in the lockdown obviously, क्योंकि हम लोग तभी साथ में नहीं रहते थे, तो हाँ I don't think we met only, I think we met मतलब पूरे lockdown में twice or something only वो FaceTime and all, I don't think we met, नहीं we met once in between, we met once okay so खाने के बारे में अगर बात करूँ तो ज़्यादा foodie कौन है, या फिर नहीं हम दोनों फूडी है, बट ज़्यादा मतलब आई एम मोर लाइक यू नो मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ डेली आई वांट टू यू नो ईट समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे डेली अगर एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। नहीं नहीं घर का मतलब मुझे डेली अगर दाल चावल मिलेगा ना तो मैं खा ही नहीं सकता हूँ, आई कांट लिव ओनली। अभी इनके हाथ का खाना तो अब मेरा वजन जिस तरह से बढ़ा है उससे यू कैन नो कि इनके हाथ का खाना का क्या सिचुएशन है। सीख रही हूँ, यूट्यूब से सीख रही हूँ सब कुछ, एक एक चीज सीख रही हूँ, मेरी दीदी भी है जो मुझे बहुत मदद करती है, लेकिन अच्छा लगता है ना ये सब। पहले मुझे लगता था कि कितनी टिपिकल बातें हैं, मतलब यू नो टू मेक फूड फॉर योर पार्टनर एंड टू पुट दिस एंड टू पुट दैट, पर जब आप करते हो तो आपको बहुत स्पेशल फील होता है। अगर एक दूसरे के लिए सॉन्ग डेडिकेट करना होगा तो कौन सा सॉन्ग आई थिंक मेरे लिए, मैं एक दोस्ती का सॉन्ग डेडिकेट करूँगी, बिकॉज हमारी रिलेशनशिप का फाउंडेशन दोस्ती है। आई थिंक कि ये सारे रिलेशनशिप्स में अगर दोस्ती का फाउंडेशन जब होता है देन योर रिलेशनशिप बिकम सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उसका जो पैडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो या आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ दोस्ती सॉन्ग टू हिम, कि इवन इफ इट्स एज टिपिकल एज ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, because I would want that relationship to always have a strong foundation of friendship. And I would like to dedicate this song called This I Promise You by Ronan Keating. It's a song which main isko pehle bhi maine sunaya hai shaadi ke pehle bhi bahut, aur ab to you know it's kind of just come true, so that's one song that I would like to dedicate to her. Okay, so shaadi ke baad aap kaun se role mein aana chahenge, ya fir kaun sa upcoming project hai jo share karna chahenge? अभी कुछ शेयर तो नहीं कर सकते, बट है और ऐसा कुछ मतलब अभी यू नो रोल में कौन सा आना चाहेंगे तो इतना मैंने सोचा नहीं है। शादी के बाद भी जो शादी के पहले रोल्स में आ रहा था मैं उसमें ही आना चाहूंगा। हाँ, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम बस वो ही करेंगे। करेक्ट। सो अपने
बस थैंक यू बोलना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है हम लोगों को डीएम्स में, मैसेजेस में, इंस्टाग्राम पे, सो मच लव, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच. और फाइनली हमारी शादी हो गई, सब पूछ रहे थे ना, फाइनली हो गई. थैंक यू.